Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। आज हम अपने खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में। जी हां, आपको मैं बता दूं कि शिवराज सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर जो है सामने आई है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जब विजय रूपाणी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का जब शपथ समारोह था, उससे पहले ही क्यों लौट गए शिवराज सिंह। जी हाँ, आखिरकार ऐसा क्या हो गया था शपथ समारोह से पहले ही कि उन्हें वापस जाना पड़ा। हमारे पास इसकी खबर है और कुछ रिपोर्ट्स भी है और इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी बार गुजरात के सीएम बने विजय रूपाणी के सीएम पद के शपथ ग्रहण का मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी चीफ अमित शाह तक मौके पर मौजूद थे। यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी भी गांधीनगर शपथ समारोह में शामिल होने आए थे, लेकिन इस पूरे समारोह से एक शख्स गायब रहा जो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान थे। चौहान शपथ समारोह के लिए गुजरात तो आए थे, लेकिन समारोह में शामिल नहीं हुए। मंगलवार को वो शपथ समारोह से पहले ही मध्य प्रदेश लौट गए, जिससे नेताओं की तैयारियां कह सकते हैं त्योरियां चढ़ गई। चौहान ने समारोह में रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल को फूल दिए, लेकिन शपथ समारोह शुरू होने से पहले वापस लौट गए। दोपहर 2 बजे जब वो गुना पहुंचे तो मीडिया ने उनसे समारोह में उपस्थित न रहने की वजह पूछी। उन्होंने कहा, मैंने विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल को बधाई दी, इसके बाद मैं पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह की अनुमति लेकर वापस आ गया। तो देखा आपने, फूल दिया, विश किया, लेकिन समारोह में शामिल नहीं हुए। क्या कुछ अनबन थी विजय रूपाणी और शिवराज सिंह चौहान की? आखिरकार क्या ऐसी बात हो गई थी कि जिस वजह से शिवराज सिंह चौहान को कह सकते हैं कि वो समारोह में शामिल नहीं हो पाए और उससे पहले ही वापस लौट गए? देखिए क्या है वजह, हम आपको जो है बताते हैं। शिवराज सिंह चौहान को अशोकनगर और कोलरास के 2 समारोह शामिल होना था। उनका यह प्रोग्राम गांधीनगर जाने के कार्यक्रम से पहले बना था। चौहान ने कहा, उन्हें भोपाल के इस कार्यक्रम में शामिल होना था, यही वजह है कि उन्हें जल्दी लौटना पड़ा। तो देखिए, सीएम पद का उम्मीदवार जो कह सकते हैं, जब शपथ समारोह चल रहा था, ये बहुत जरूरी था और कहीं ना कहीं इसमें अमित शाह और पीएम मोदी भी कह सकते हैं कि अमित शाह थे और कई बड़े पार्टी के नेता थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शिवराज सिंह जो है वो वापस लौट गए फूल देकर, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं उन्हें फूल देकर उन्हें कहते हैं विश किया और उससे पहले लौट गए। देखिए, कार्यक्रम जो है, अगर बात किया तो कार्यक्रम को और टाला भी कहा जा सकता था, या कह सकते हैं कि कार्यक्रम को आगे पीछे भी किया जा सकता था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा नहीं किया और वो विजय रूपाणी के शपथ समारोह से पहले ही लौट गए। तो कहीं ना कहीं देखें, इस बात का जो है कहीं ना कहीं फायदा जो है विपक्ष को मिल गया और विपक्ष ने कहा भी कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पहले चले गए, उससे कहीं ना कहीं ये बात देखने को मिल रही है कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो कह सकते हैं कि बीजेपी से खुश नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वो इस समारोह में शिरकत करने, कह सकते हैं कि वो शिरकत करने नहीं आए थे और खाली उन्होंने फूल देकर जो है उन्हें बधाइयां दी। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब ये जो है बातें धीरे धीरे विपक्ष तक पहुँच रही है और विपक्ष जिस तरह से निशाना साध रहा है वो अपने आप में हैं कि अहम बात है, गंभीर बात है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसका जो फर्क है, कहते हैं कि राजनीति में अगर नेता गलत बयान दे देते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह कह सकते हैं कि समारोह में शामिल
नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है उन्हें उठाना पड़ता है, और जो यहाँ पर देखने को भी मिला। कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से वापस लौट गए, उससे कहीं ना कहीं विजय रूपानी भी थोड़ा सा आहत हुए थे, क्योंकि समारोह में शामिल होना बहुत कह सकते हैं कि ज़रूरी भी था, क्योंकि कई बड़े पार्टी के नेता आए थे, कई दिग्गज लोग आए थे पार्टी के, तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान वापस चले गए और उन्होंने बताया कि उनकी कहीं जो है मध्य प्रदेश में भी जो एक प्रोग्राम है वहाँ भी जो है और वहाँ भी उस आयोजित किया है, वहाँ भी जाना है, तो कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने अपनी ये बात भी रख दी। लेकिन देखिए कि ये ज़रूरी था कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से वो वापस लौट गए आकर भी, तो कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष जो है ज़रूर इस बात को घेर भी रहा है, और क्योंकि उन्हें मुद्दा भी मिल गया है कि आखिरकार जो है वो पूरा क्यों है प्रोग्राम उन्होंने अटेंड क्यों नहीं किया, पूरा शपथ ग्रहण समारोह वो जो था उसमें शामिल क्यों ना हुए। तो ऐसी तमाम जो सवाल हैं जो विपक्ष भी पूछ रहा है, वो कहीं ना कहीं देखें अगर देखें देखा जाए तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से देखने को मिला है कि हो सकता है, या इस तरह के कयास भी लगाए जा सकते हैं कि वो जो है खुश नहीं थे या पार्टी के काम से खुश नहीं थे, और वो जो है वो उन्होंने ये नहीं समझा कि वो जाए यहाँ समारोह में। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरह की बहुत सी बातें निकल कर सामने आ रही, लेकिन उन्होंने जब ये बताया कि वो समारोह में गए थे, वहाँ भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी कुछ कार्यक्रम था, आयोजन किया गया था, वहाँ भी उन्हें जाना था, वहाँ भी बहुत ज़रूरी था, तो उन्होंने ये अपनी बातें रखी। लेकिन देखिए विजय रूपानी की अगर बात करें तो गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात का चुनाव बहुत अहम था, बहुत ही उसके अलग मायने थे, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से कांटे की टक्कर देखने को मिली थी कांग्रेस और बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अहम थी, और जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत कड़ी कह सकते हैं कड़ी तरीके से मात देने की कोशिश की थी, उससे बीजेपी को संभलना चाहिए था, और बीजेपी कह सकते हैं कि उतनी सीटें जो है वो पहले जो चुनाव हुए थे उसमें कभी इतनी सीटें कम सीटें नहीं लाती थी, उससे ज़्यादा ही लाती थी। तो ऐसे में देखिए वहीं अगर देखा जाए तो बहुत कांटे का टक्कर था और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, और अंत में जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज हासिल की, और कहीं ना कहीं बीजेपी जिस कह सकते हैं कि भले ही जीत दर्ज हासिल की हो लेकिन कम अंकों के साथ जो है उसने वहाँ पे जीत दर्ज हासिल की, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार पार्टी के अंदर क्या खामियां थी या ऐसा क्या काम था जो वो नहीं कर पाए, उन्हें तमाम तरह के काम जो है गुजरात में करने होंगे, क्योंकि देखिए अब चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में जनता वोट उसी को देती, माफ़ कीजिएगा, चुनाव में जनता वोट उसी को देती है जो पार्टी काम करती है, तो अगर कहीं ना कहीं बीजेपी गुजरात में काम नहीं करती है तो अगले आने वाले चुनाव में भी जो है वो हार सकती है, ऐसी अटकलें भी जो है लगाई जा रही हैं। वैसे हम बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से शपथ समारोह से पहले चले गए, ये बात अपने आप में बहुत गंभीर थी, और ये बात जो है उस समय चर्चाओं में भी रही थी, अभी भी जो है उससे पूछा भी जा रहा था कि आखिरकार क्या वजह थी कि जो शिवराज सिंह चौहान वापस चले गए, उन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन क्या वो यहाँ तक आए थे, उन्होंने फूल वगैरह गिफ्ट भी किया, तो क्या उनका ये दायित्व नहीं था कि वो जो है कहीं ना कहीं अब उन्हें जो है समारोह में शामिल हुए, और समारोह में शामिल होने के बाद वो जो है उन्हें और बधाइयाँ दें। तो देखिए इस तरह के तमाम सवाल जो हैं सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बात रखते हुए कह दिया था कि ऐसे कोई बात नहीं है कि वो वहाँ क्यों नहीं गए, समारोह में क्यों नहीं शामिल हुए, उन्होंने बताया कि उन्होंने फूल देकर जो है उनका स्वागत किया और बधाई भी दी, उन्हें एक कार्यक्रम में जाना था मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पर वो गए थे। तो देखिए अब ऐसे बात की जाती है कि
जिस तरह से देखने को मिला था। वैसे तो उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब विपक्ष को एक जो है नया मुद्दा मिल गया था कि वो वहाँ तक तो आए, घर तक तो आए, लेकिन घर के अंदर नहीं गए। ऐसे तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। खैर, विजय रूपानी की बात करते हैं, वो तो सीएम बन चुके हैं गुजरात के, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से समारोह से पहले ही लौट गए थे, वो बात जो है कहीं ना कहीं विषय बनी हुई थी। और उन्होंने अपना भले ही बयान देते थे, लेकिन विपक्ष जो है इस मामले को घेर भी रहा है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार किसी और नए मुद्दे को लेकर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।